हेलो फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन वीडियो ट्यूटोरियल्स में मैं सौरभ खटी फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। चलिए पढ़ते हैं मॉक टेस्ट सीरीज का अगला वीडियो, सीरीज 22। शुरू करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। इफ द इन्वेस्टर क्लेम्स द अनक्लेम्ड डिविडेंड मनी विद इन हाउ मेनी ईयर, देन द पेमेंट इज बेस्ड ऑन प्रीवेलिंग एनएवी। ऑप्शन नंबर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स और 5 ईयर्स। चूज योर ऑप्शन। ओके, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 ईयर्स। क्वेश्चन क्या है बेसिकली कि अगर इन्वेस्टर अनक्लेम्ड डिविडेंड को क्लेम करता है, ठीक है, सो प्रीवेलिंग एनएवी, इसका मतलब होता है जिस दिन की एनएवी चल रही है उस दिन की एनएवी मिलना, ठीक है। सो अनक्लेम्ड डिविडेंड क्या होता है बेसिकली कि आपने डिविडेंड, आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, डिविडेंड ऑप्शन चूज किया आपने, जो डिविडेंड था वो आपको एएमसी ने देने की कोशिश की, लेकिन पहले डायरेक्ट क्रेडिट करने की कोशिश की, शायद आपका बैंक अकाउंट बराबर नहीं होगा या आईएफएससी कोड बराबर अपडेट नहीं हुआ होगा, तो वो रिजेक्ट हो गया। उसके बाद में म्यूचुअल फंड क्या करता है कि उसके बाद में म्यूचुअल फंड आपको फिजिकल भेजता है, चेक भेजता है, वारंट भेजता है, डिविडेंड वारंट, तो वो भी आपको अगर आपको मिला लेकिन आपने डाला ही नहीं अभी बैंक में आपके, तो म्यूचुअल फंड ने तो दे दिया लेकिन आपने उसको क्लेम नहीं किया है अभी तक, तो उसको अनक्लेम डिविडेंड कहते हैं। तो अनक्लेम डिविडेंड जो है वो आपको अगर 1 साल बाद याद आ गई तो आपको उस वक्त की जो भी एनएवी चल रही है, 1 साल बाद जो भी चल रही है, वो एनएवी के हिसाब से पैसे मिलेंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड के पास में पैसे पड़े हैं तो वो ग्रो हो रहे हैं, बराबर है। तो उस वक्त की, मतलब विद इन 3 ईयर आप कभी भी निकालेंगे तो उस दिन की एनएवी मिलेगी, क्लियर, ऐसा रूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद में और डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इन्वेस्टर क्लेम्स द मनी आफ्टर 3 ईयर्स, देन पेमेंट इज बेस्ड ऑन द एनएवी एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, ट्रू और फॉल्स। चूज योर ऑप्शन। ओके, एंड द करेक्ट आंसर इज यस, ऑप्शन नंबर 1, ट्रू। पहले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था कि, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था कि अनक्लेम डिविडेंड है तो प्रिवेलिंग एनएवी पे कब तक मिलेगा, तो 3 साल तक। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि अगर 3 साल के बाद में निकाला तो कब की एनएवी मिलेगी, तो एट द एंड ऑफ 3 ईयर। अगर आप किसी इन्वेस्टर को 5 साल बाद याद आया कि अरे हाँ ये दिवाली की साफ सफाई करते वक्त में वो मिल गया डिविडेंड वारंट, कि अरे ये तो आया था डाला ही नहीं बैंक में, बराबर है, तो म्यूचुअल फंड उसको चेंज करके दे देगा, लेकिन 5 साल बाद या 7 साल बाद भी वो करेंगे तो 3 साल के आखिरी दिन की जो भी एनएवी रहेगी उसी एनएवी के हिसाब से पैसा मिलेगा, ठीक है। अगर 3 साल के पहले पैसा निकालते हो तो प्रिवेलिंग एनएवी, मतलब उस दिन की, जिस दिन आप रिक्वेस्ट कर रहे हो म्यूचुअल फंड कंपनी को, उस दिन की एनएवी मिलेगी, क्लियर है। चलिए, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट हैज स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन अबाउट द एएमसी और म्यूचुअल फंड दैट इज ऑफरिंग अ स्कीम। ऑप्शन नंबर 1 SID, ऑप्शन नंबर 2 SAI, ऑप्शन नंबर 3 ऑडिटर्स रिपोर्ट, एंड ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ द अबव। चूज योर ऑप्शन। ओके, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, SAI। सवाल ये है कि AMC या म्यूचुअल फंड की जो नई स्कीम ला रहे हैं, ठीक है, वो उसकी जो स्टैट्यूटरी, मतलब रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, मैंडेटरी इंफॉर्मेशन जो होती है वो कहाँ पे होती है, तो दो चीज़ें हमें याद रखनी है। ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंटेंट किस में क्या होता है। SID में क्या होगा, SID में वो नई जो पर्टिकुलर स्कीम, नई जो स्कीम ला रहे हैं उस स्कीम के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन आपको SID में मिलेगी। SAI, ये जो स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी,
तो जो जनरल इंफॉर्मेशन है एएमसी के बारे में, वो जो नई स्कीम ला रहे हैं उस स्कीम को छोड़ के बाकी जो जनरल इंफॉर्मेशन है वो सारी एएमसी की जनरल इंफॉर्मेशन जो है वो आपको एसएआई में मिलेगी। ठीक है, ऑडिटर्स रिपोर्ट तो उसमें ऑडिटिंग का रहेगा, इसलिए स्टैटिटरी इंफॉर्मेशन जो है वो एसएआई में रहता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इन केस ऑफ चेंज इन फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स द एसआईडी हैज टू बी अपडेटेड इमिडिएटली आफ्टर द लैप्स ऑफ द टाइम पीरियड गिवन टू एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स टू एग्जिट द स्कीम। ट्रू और फॉल्स, चूज योर ऑप्शन। ओके, द करेक्ट आंसर इज ट्रू। ये कंसेप्ट थोड़ा सा समझना जरूरी भी है और ये अच्छा भी है समझने के लिए। फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स अगर चेंज होते हैं तो, देखिए फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स मतलब फंड के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, इन्वेस्टमेंट के बारे में बोलेंगे। कि पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स का, कि कोई एक स्कीम है इक्विटी स्कीम, वो पहले सिर्फ 30 कंपनीज में ही पैसा डालने वाली थी, 30 लार्ज कैप कंपनीज में पैसा डालने वाली थी। अभी फंड मैनेजर को लगा कि लार्ज कैप के साथ साथ और 20 मिड कैप्स के शेयर में भी पैसा डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हो गया फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स को चेंज करना। पहले 30 लार्ज कैप में डाल रहे थे, तो जो भी लोग पहले इस स्कीम में आए थे वो ये सोच के आए थे कि ये स्कीम तो लार्ज कैप में डालेगी, लेकिन अभी फंड मैनेजर ये सोच रहे हैं कि अभी और मिड कैप में भी डालते हैं थोड़ा सा। तो ये ऐसा ही खुद फंड मैनेजर सोचेंगे और रातों रात चेंज कर देंगे, ऐसा नहीं चलता है। तो ये जो चेंज कर रहे हैं इसको कहते हैं फंडामेंटल एट्रीब्यूट चेंज करना। या दूसरा एग्जाम्पल कि फंड मैनेजर ही बदल गया, पहले एक फंड मैनेजर थे अभी दूसरे आ गए उनकी जगह पे, तो ये भी चेंज ऑफ फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स है। बराबर है? सो अगर ये ऐसा चेंज फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स चेंज होते हैं तो एसआईडी जो होता है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, उसको अपडेट करना होता है। कब करना होता है? तो इमिडिएटली करना होता है। लेकिन ये जो नेक्स्ट सेंटेंस है इसमें आपको कंफ्यूज हो सकता है, आफ्टर द लैप्स ऑफ द टाइम पीरियड गिवन टू द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर टू एग्जिट द स्कीम, इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल भाषा में समझते हैं कि आपने एक पीवीआर थिएटर, पीवीआर मल्टीप्लेक्स में एक टिकट निकाला एक एक्स वाई जेड मूवी देखने का, कुछ कारणवश वो एक्स वाई जेड मूवी नहीं दिखा पा रहा है पीवीआर। तो पीवीआर क्या बोलेगा आपको कि हम आपको ये नहीं दिखा सकते हैं मूवी, आपके पास में दो ऑप्शन है, कि हम एक दूसरा मूवी दिखा देते हैं एबीसी नाम का, एक तो वो देख लीजिए या फिर आप आपके पैसे ले जाइए। बराबर है? तो वैसे ही म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर क्या करता है, आपको ये पूछता नहीं है मैं करूँ कि नहीं करूँ चेंज, वो ये कहता है कि हम ऐसा चेंज करने वाले हैं। ठीक है, भविष्य में ऐसा हम चेंज करने वाले हैं, आपको एक टाइम पीरियड दिया गया है, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप रुके रहिए, अगर आपको नहीं अच्छा लगता है, आपको एक्स वाई जेड मूवी ही देखना है, आपको एबीसी नहीं देखना है, आपको नई चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है आप, तो आप आपका पैसा ले सकते हो वापस। ठीक है, तो लैप्स पीरियड एक स्पेसिफिक 15 दिन का विंडो दिया जाता है, उस पीरियड में आप आपका पैसा, अगर आपको ये जो नया चेंज हुआ है वो अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप वो पैसा वापस ले सकते हो, एग्जिट कर सकते हो। और एक आगे चीज़ कि अगर ऐसा कुछ होता है और आप आपका पैसा वापस विड्रॉ करते हो, रिडम्पशन करते हो, तो उस पे म्यूचुअल फंड कंपनी कोई भी एग्जिट लोड चार्ज नहीं करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एप्लीकेशन फॉर्म इज अटैच टू ऑप्शन नंबर 1 SAI, ऑप्शन नंबर 2 SID, ऑप्शन नंबर 3 किम एंड ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ द अबव, चूज योर ऑप्शन। ओके, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 किम, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, ये आपको याद रखना है। सी, ऑफर डॉक्यूमेंट के दो हिस्से हैं, SID और SAI। बराबर? ये इसमें जानकारी होती है, एप्लीकेशन फॉर्म नहीं होता है। जो कीम होता है, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, ठीक है, आपने बहुत बार म्यूचुअल फंड की एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, उसमें बाद में लिखते हैं सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द स्कीम इन इंफॉर्मेशन
डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग. तो स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट आपको पढ़ने के लिए आपको देना पड़ेगा ना, तो अप्लीकेशन फॉर्म के साथ में स्कीम बांटना कंपलसरी है. ठीक है, मतलब हर एक स्कीम में अप्लीकेशन फॉर्म, मतलब हर एक फॉर्म के साथ में स्कीम रहता ही है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. इन क्रिएटिंग अ मॉडल पोर्टफोलियो विच इज द फर्स्ट स्टेप. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ऑप्शन नंबर 1 सिलेक्शन ऑफ अ सेक्टर, ऑप्शन नंबर 2 आइडेंटिफाई फाइनेंशियल गोल, ऑप्शन नंबर 3 सिलेक्शन ऑफ द स्कीम, एंड ऑप्शन नंबर 4 डिसाइडिंग द असेट अलोकेशन. चूज योर ऑप्शन. ओके, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 डिसाइडिंग द असेट अलोकेशन. क्वालिटी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट. मॉडल पोर्टफोलियो जो है उससे बनाते वक्त में, क्रिएटिंग ऑफ मॉडल पोर्टफोलियो, कौन सी फर्स्ट स्टेप होती है. अभी एक एक ऑप्शन को देख लेते हैं. अभी सिलेक्शन ऑफ सेक्टर, सेक्टर सिलेक्शन जो है वो बाद में आएगा. ठीक है, कौन से सेक्टर में डालना है इससे पहले इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे कितना डालना है. मतलब असेट एलोकेशन, मतलब इक्विटी में कितना डालना है, डेट में कितना डालना है, गोल्ड में कितना डालना है, रियल इस्टेट कितना खरीदना है, ये इसको असेट एलोकेशन कहते हैं. सेक्टर सिलेक्शन, हाँ, आपका डिसाइड हो गया कि इक्विटी में इतना डालना है, तो इक्विटी में कौन से सेक्टर में कितना डालना है वो बाद की स्टेप है. ठीक है, इसीलिए सेक्टर सिलेक्शन पहली स्टेप नहीं होगी. आइडेंटिफाई फाइनेंशियल गोल, आपको ये लगा होगा, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इसको पहला ये आंसर किया होगा. ये इसलिए सही नहीं है कि यहाँ पे इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे मॉडल पोर्टफोलियो की बात हो रही है. मॉडल पोर्टफोलियो का मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट है समझना. मॉडल पोर्टफोलियो मतलब जो फाइनेंशियल प्लानर होते हैं वो क्या करते हैं, एक आइडेंटिकल पोर्टफोलियो बना के रखते हैं. मतलब 25 से लेके 35 साल के, या 25 से लेके 30 साल के बीच में जो भी इन्वेस्टर है उनकी नीड्स ऑलमोस्ट सेम होती है. कि जस्ट नई नई नौकरी लगी होती है, बहुत ज़्यादा लाइबिलिटीज़ नहीं होती है, कार खरीदना होता है, सो हाउस घर खरीदना होता है, सो आइडेंटिकल नीड होती है, सेम नीड होती है पर्टिकुलर उस एज में. वैसे ही रिटायरमेंट वाले लोग जो होते हैं, कि पोस्ट रिटायरमेंट सबका ऑलमोस्ट रिक्वायरमेंट सेम होता है, कि हेल्थ इंश्योरेंस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, रेगुलर इनकम की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसको मॉडल पोर्टफोलियो कहते हैं. ठीक है, सो आइडेंटिफाई फाइनेंशियल गोल जो है ये पर्टिकुलर इन्वेस्टर के बारे में हो गया, मॉडल पोर्टफोलियो के बारे में नहीं होगा. ठीक है, इसीलिए ये ऑप्शन सही नहीं है. ऑप्शन नंबर 3 सिलेक्शन ऑफ स्कीम, वापस से आपको इक्विटी में कितना डालना है, डेट में कितना डालना है, ये तय हो जाए, उसके बाद में फिर कौन सी स्कीम में डालना है ये तय होगा. इसीलिए थर्ड ऑप्शन भी सही नहीं है, मतलब फर्स्ट स्टेप नहीं है. क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. 75% इन्वेस्टमेंट इन डेट इज सजेस्टेड टू, ऑप्शन नंबर 1 40-year-old मैन विथ अ फैमिली विथ ग्रोन अप चिल्ड्रन, ऑप्शन नंबर 2 यंग कपल विथ 2 स्कूल गोइंग किड्स, ऑप्शन नंबर 3 एजेड कपल विथ नो इमीडिएट फैमिली सपोर्ट, एंड ऑप्शन नंबर 4 यंग कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव. चूज योर ऑप्शन. ओके, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 एजेड कपल विथ नो इमीडिएट फैमिली सपोर्ट. देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में आएंगे तो आपको इसका एक जनरल वे में आपको सोच के इसका आंसर करना है. इसमें मोर करेक्ट जो है उसको आंसर देना है. वैसे डेट का पोर्टफोलियो में होना, ठीक है, वो सबके पोर्टफोलियो में ज़रूरी है. यहाँ पे परसेंटेज दिया है कि 75%, मतलब मैक्सिमम हम बोल सकेंगे. तो मैक्सिमम किसे डेट में लोग किस लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, सेफ्टी के लिए या रेगुलर रिटर्न के लिए, ब्याज के लिए, बराबर है. सो रेगुलर इनमें से नीचे दिए गए जो ऑप्शन है उसमें से रेगुलर इनकम की किसको ज़रूरत पड़ेगी, तो यंग कॉल सेंटर को, वो बंदे को तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसकी सैलरी आ रही है, ज़्यादा लाइबिलिटीज़ भी नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा.
ऑप्शन नंबर वन जो है 40 ईयर ओल्ड मैन है, फैमिली है, ग्रोन अप चिल्ड्रन है, लेकिन इतना एकदम 75% की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अभी यंग कपल विथ टू स्कूल गोइंग किड्स, उनको भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो एजेड कपल है उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर डिबेट किया जाए तो सबको थोड़ा थोड़ा ज़रूरत तो है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा मोर करेक्ट इज ऑप्शन नंबर थ्री, ठीक है। तो आपको मोर करेक्ट के तरफ आपको जाना है एग्जाम में भी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट। फॉर अ माइक्रो SIP, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फोटो ID प्रूफ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ऑप्शन नंबर वन वोटर आइडेंटिटी, ऑप्शन नंबर टू पैन प्रूफ, ऑप्शन नंबर थ्री डेबिट कार्ड विथ फोटो ID एंड ऑप्शन नंबर फोर क्रेडिट कार्ड विथ फोटो ID। चूज योर ऑप्शन। ओके, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर, क्रेडिट कार्ड विथ फोटो ID। सो माइक्रो SIP करने के लिए, या यहाँ पे माइक्रो SIP की बात करते हैं, माइक्रो SIP जो करनी है 50,000 rupees तक के आप ये करते हो, SIP कर सकते हो, तो उसके लिए साल में 50,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। एक्चुअली ऐसा है वो SIP का टोटल इंक्रीमेंटल अमाउंट, तो उसको माइक्रोसिप कहते हैं। माइक्रोसिप में कौन सा ID प्रूफ नहीं चलता है, ठीक है, तो वोटर आइडेंटिटी प्रूफ चलता है। पैन प्रूफ अभी ये जो क्वेश्चन है इसको हम अभी स्कीप कर देंगे, ये फ्रेम करते वक्त में इसमें गड़बड़ हुई है। आइडियली माइक्रोस्कीप की जो SIP होती है उसमें पैन प्रूफ भी नहीं लगता है, पैन कार्ड नहीं होता है, इसीलिए तो माइक्रोसिप खोलते हैं, ठीक है। सो और क्रेडिट कार्ड भी नहीं चलता है, तो दोनों ऑप्शन सही नहीं हो सकते। तो आई एम वेरी सॉरी, इस क्वेश्चन को स्किप करेंगे, इसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे, मैं इसको प्रॉपर अच्छे से बनाऊंगा और बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर एट को नहीं पढ़ना है हमें अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन, द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज फंड्स इन द न्यू पेंशन स्कीम इज विथ ऑप्शन नंबर वन PFRDA, ऑप्शन नंबर टू AMCs, ऑप्शन नंबर थ्री PFMs एंड ऑप्शन नंबर फोर इंश्योरेंस कंपनीज। चूज योर ऑप्शन। ओके, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री, PFMs, पेंशन फंड मैनेजर्स। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? NPS के पैसे को मैनेज करना, ऐसा क्वेश्चन है। PFRDA जो है ये रेगुलेटर है, लॉन्ग फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये SEBI जैसे है, SEBI का काम पैसे मैनेज करना नहीं है, रूल बनाना है, वैसे ही PFRDA का काम रूल्स बनाना है। AMCs, तो AMC ये म्यूचुअल फंड का वर्ड हो गया, NPS ये म्यूचुअल फंड का प्रोडक्ट नहीं है, तो इसीलिए AMCs यहाँ पे वर्ड यूज नहीं होता है, तो यहाँ पे PFMs होता है, पेंशन फंड मैनेजर्स, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी आंसर नहीं है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन SID, ठीक है। SID में क्या नहीं अवेलेबल होता है, नहीं होता है? ऑप्शन नंबर वन रिस्क फैक्टर, ऑप्शन नंबर टू टाइप ऑफ फंड, ऑप्शन नंबर थ्री ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट एंड ऑप्शन नंबर फोर नन ऑफ द अबव। चूज योर ऑप्शन। ओके, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री, ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट। क्वेश्चन समझ लेते हैं कि SID जो होता है उसमें क्या नहीं होता है, सबसे पहले ये हम बात कर लेते हैं उसमें क्या होता है। सो SID इज स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में ये जो NFO आ रहा होता है
उस पर्टिकुलर एनएफओ के बारे में जो स्कीम के उस स्कीम नई स्कीम के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन एसआईडी में होती है। तो अभी ऑप्शन देखेंगे, रिस्क फैक्टर मतलब नई स्कीम के लिए क्या रिस्क रहेगी या नहीं रहेगी वो एसआईडी में रहेगा क्योंकि यस स्कीम स्पेसिफिक है। ऑप्शन नंबर टू, टाइप ऑफ फंड, हाँ बिल्कुल नई स्कीम आ रही उसका टाइप क्या है तो ये स्कीम से रिलेटेड है इसलिए ये भी एसआईडी में रहेगा। अब ये ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट ये है क्या, ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट क्या है? तो देखिए सेबी जो है वो रेगुलेटर है म्यूचुअल फंड के लिए, लेकिन सेबी के पास में इतना मैन पावर नहीं है कि हर एक स्कीम में हर एक म्यूचुअल फंड में सारी चीज़ें बराबर चल रही है कि नहीं ये देखना। इसलिए सेबी ने क्या किया है कि एक ऐसा इंसान मैंडेटरी किया हुआ है, एक एम्प्लॉय ऐसा मैंडेटरी किया है कि जो देखेगा उसको कंप्लायंस ऑफिसर कहते हैं। वो कंप्लायंस ऑफिसर का काम क्या होता है, ये देखना कि सभी चीज़ें जो चल रही है वो सेबी के रूल के हिसाब से चल रही है या नहीं चल रही है, ठीक है, ये कंप्लायंस ऑफिसर का काम होता है। और ये सब देखने के बाद में वो एक सर्टिफिकेट देता है, एक डॉक्यूमेंट साइन करता है, उसे कहते हैं ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट। उसमें लिखा होता है कि मैंने सारी चीज़ें चेक कर ली है, सब सेबी के नियमों के अनुसार चल रही है। तो अगर कोई कभी गड़बड़ हो जाती है किसी मतलब कहीं पे भी, मतलब ये नॉट ओनली फॉर म्यूचुअल फंड, ये डायरेक्ट कंपनीज में भी लागू होता है, तो अगर कहीं गड़बड़ हो जाती है कंपनी में तो सेबी सबसे पहले कंप्लायंस ऑफिसर को सवाल पूछती है कि आपने चेक किया था, आपने साइन की थी ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट, आपने दिया था कि सब ठीक चल रहा है, बराबर है। तो अब ये ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट कब आएगा कि एनएफओ शुरू हो जाने के बाद में सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं, उसके बाद आएगा, एनएफओ के बाद में आएगा। एसआईडी कब आता है, एनएफओ के पहले आता है, इसीलिए एसआईडी में ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट नहीं होता है। वैसे ही ऑफर डॉक्यूमेंट में अगर यहाँ पे एसआईडी के जगह क्वेश्चन में ऑफर डॉक्यूमेंट भी लिखा होता तो उसमें भी ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट नहीं होता है क्योंकि ऑफर डॉक्यूमेंट जो होता है वो एनएफओ के वक्त में आता है। ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट एनएफओ खत्म होने के बाद में रेगुलर प्रोसेस में दिया जाता है। क्लियर है? चलिए, थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिए, आपका लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को कमेंट करना, यही एक्चुअली रियल मोटिवेशन है। बहुत अच्छे कमेंट्स आपके तरफ से मिल रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ सुझाव दें, अगर आपको जो भी लगता है चेंजेस करना चाहे, या आप सोचते हो कि इस तरह से नहीं और अलग तरह से आप बता सकेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल ज़रूर बेझिझक बताइए, फील फ्री टू कॉल इवन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे से प्रिपरेशन करिए। दो तरह के वीडियोज़ है हमारे पास में इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए, एक है क्वेश्चन आंसर वाले जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है, और दूसरे है कंटेंट वीडियोज़ जिसमें हमने वी ट्राइड टू एक्सप्लेन द एंटायर वर्कबुक। तो पहले वर्कबुक वाले समझने वाले जो वीडियो है वो अगर आप अच्छे से देख ले तो उससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, उसके बाद में आपको मॉक टेस्ट सीरीज पे आना चाहिए, ठीक है। अगले बहुत सारे वीडियोस हम लाने वाले हैं, अपलोड करने वाले हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर अभी तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को भी दबा दीजिए जिससे आपको जो नए वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ठीक है। नए वीडियोस तक थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।